श्री मुनिवार साहब के मुखारविंद से आज की मूलार्थ। आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय शमित मुनि जी, शाश्वत मुनि जी, धर्मानुरागी बंधुओं, माताओं, स्नेहशीला बहनों, अंतर्गत दशांक सूत्र में हम उस सिद्धि को प्राप्त करने की विधि सीख रहे हैं कि ये जीव जो अनादि काल से यात्रा कर रहा है उसका क्या रहस्य है। अगर वो रहस्य हम समझ जाए तो सिद्ध होने में देर नहीं लगेगी। और उस रहस्य को हमने महत्व न दिया और अपनी परंपरा, अपनी धारणा और अपने कर्म संस्कार, अपने मिथ्यात्व भरे संस्कारों के अनुसार ही चलते रहे तो भगवान कहते तुम कितना ही लंबा समय लगा दो, ये चार गति का अंत नहीं होगा। गस्सुकुमाल का जीव अनादिकाल की यात्रा करता हुआ आया है, देवलोक से चवन करके माता देवकी के गर्भ में आया, 16 वर्ष का समय बीत गया और वह भगवान के समोषण में पहुंचता है, वैराग्य हो जाता है। पहली कसौटी है इस संसार से हमको वैराग्य होना चाहिए। एक हाथ में संसार और दूसरे हाथ में मोक्ष, ये नहीं चलता। संसार जब तक गौण नहीं होगा, संसार से वैराग्य नहीं होगा, तब तक सिद्ध शिला का मार्ग आपसे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो पहली कसौटी है वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या किया तो भगवान बार बार भगवान की अरिहंत प्रभु की देशना में आता है, एक ही लाइन में वैराग्य का अर्थ कर दिया कि मैं जीव आत्मा हूं। पहला ये बोध होना, जब तक स्वरूप बोध नहीं हुआ तो मुक्ति की साधना ही शुरू नहीं होती। स्वरूप बोध होने के बाद ये एहसास हो जाना अंतकरण में कि मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं। आप संसार में अटके किस लिए हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत इकट्ठा करना चाहता हूं। जड़ और जीव का भेद करते ही भगवान ये बता देते कि तुम समृद्ध हो, संपन्न हो, परिपूर्ण हो, अष्ट गुणों से युक्त हो, अरिहंत और सिद्ध जैसी संपदा तुम्हारे पास है, तुम याचक बन के क्यों याचना कर रहे हो। और फिर दूसरा हम अटके हुए कहां है कि मेरा ये इसका क्या होगा, मेरा ये इसका क्या होगा, मेरा ये इसका क्या होगा। तो भगवान बताते तुम्हारे पास तुम्हारे अलावा, यानी जीव के अलावा, यहां भेद ज्ञान करना है, जड़ और जीव। श्री मुनि के से जुड़ा संसार खड़ा हो सकता है पर जीव का कोई संसार नहीं है, जीव का किसी से वास्ता नहीं है। श्री मुनि के शरीर को बहुत कुछ, शरीर को आवश्यकता है, हो सकती है, मन की इच्छाएं हो सकती है, पर जब तक इसको पराया नहीं मानेंगे तब तक वैराग्य नहीं होगा। तो इसको पराया मान लो, मेरा कुछ नहीं है और मेरा कोई नहीं है। कुछ नहीं में सारे पुद्गल का संसार आ गया और कोई नहीं में समस्त जीव आ गया। अनंत जीवों में एक जीव भी मेरा नहीं और किसी जीव की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आप फंसे हो तो किस में हो कि इसकी जिम्मेदारी मैंने रखी, इसकी जिम्मेदारी में, व्यवहार में अटके हुए हैं। वास्तव में निश्चय नहीं में आपकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ एक जीव की जिम्मेदारी है। ये एहसास किसको हुआ? गज सुकुमाल को हो गया और उन्होंने भगवान की वाणी सुनते ही वैराग्य हो गया और आकर के भगवान से आज्ञा ली कि मैं माता पिता की आज्ञा लेकर के आकर के दीक्षा ग्रहण करता हूँ। बाकी वर्णन हमने सारा कर लिया। और जब वे भगवान से वापस दीक्षा लेने के बाद आज्ञा ली, भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं महाकाल प्रतिमा धारण करना चाहता हूँ। भगवान अगर उसके देह के राग में होते तो आज्ञा नहीं देते, क्योंकि उनको दिख रहा था केवल ज्ञान में कि इसको रात को उपसर्ग आएगा, इसका शरीर जाने वाला है। लेकिन भगवान को किसी की देह से राग नहीं है, भगवान को तो उस जीव के कल्याण देखते हैं कि जीव का कल्याण किसके निमित्त से होने वाला है। तो भगवान ने उसको आज्ञा प्रदान कर दी और वे तीसरे पहर में आकर के महाकाल प्रतिमा को धारण करके
जो भी आवश्यक होता है प्रतिमा के लिए सारी व्यवस्थाएं देख करके वो कायोत्सर्ग में खड़े हो गए। सूर्यास्त के समय उपसर्ग आ गया, बाह्य निमित्त सोमा की बेटी बनी और इधर से भूतकाल का कारण, क्योंकि बिना कारण कोई कार्य नहीं होता, वर्तमान का कारण हम देख करके क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। केवल ज्ञानी प्रतिक्रिया क्यों नहीं करते, क्योंकि वे हर एक जीव का भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते हैं। उन्होंने देखा कि भूतकाल का कारण क्या है, तो देखा कि ये जो बहुत सारे हजारों लाखों वर्ष पूर्व की कहानी है कि ये जीव कच्छुकमाल का जीव, अभी वर्तमान की कहानी आप देखेंगे तो आपको क्या होता है, सोमिल ब्राह्मण के ऊपर तो क्रोध आता है, गस्सु कुमार के ऊपर करुणा आती है ना। लेकिन अगर उसका भूतकाल देखोगे तो उसका कर्म कैसा था। भूतकाल की घटना है कि सोमिल का जो जीव था वो एक बालक के रूप में था, एक राजा के यहां उसने जन्म लिया, दो रानियां थी, एक रानी जिसका ये बेटा था गस्सु कुमार का जीव और दूसरी रानी उसकी सोतेली माँ थी। बेटा होने के कारण राजा का प्यार दूसरी रानी के प्रति हो गया। अब देखो राग में व्यक्ति कैसे कर्म बांधता है, हम राग के प्रति सजग नहीं होते, द्वेष के प्रति सजग है, या राग में उसको राजा से उसको राग है और बेटा होने के बाद राजा उसकी तरफ उपेक्षा कर रहा है। अपने राग में चोट लगने पर कैसा कैसा जीव कर्म बांध देता है। उसके मन में आया है कि इसका कारण ये बेटा है, तो क्यों मैं ऐसा कोई उपाय करूं कि जिससे ये बेटा ही चला जाए। ये बेटा चला जाएगा तो राजा मेरे से वापस पूर्व की तरह क्या करेगा, राग करेगा। और वो चिंत ऐसा मौका देखती है कैसे कब ऐसा अवसर आए, और संयोग ऐसा बना कि उस बालक के सिर में फोड़े फुंसिया हो गई। जो सोतेली माँ थी, विमाता थी, उसने उसको कहा इसका उपाय मुझे आता है, तो उसने विश्वास करके उसको दे दिया बेटा। तो उसने क्या किया, गरम गरम उड़द की दाल की एक मोटी रोटी बनाई और बच्चे के सिर के ऊपर बांध दी। उसके भाव क्या थे कि किसी तरह से ये बच्चा बीच में से निकल जाए ताकि मेरा और राजा का जो प्रेम है वो बना रहे। और बच्चा वो विमाता को दे करके माँ अपनी किसी और काम में लग गई। थोड़ी देर में बच्चा उस गरम गरम रोटी के कारण सिर उसका क्या हुआ, उबलने लगा और फुंसियाँ उसके अंदर में जल रही है। और ऐसे समय में उस बच्चे ने क्या कर दिया, प्राणांत कर दिया। वो बच्चे का जीव कौन सा था, गस्सु कुमार का जीव था, नहीं सॉरी, वो सोमिल ब्राह्मण का जीव था, वो बच्चे का जीव था। और वो जो माता बनी थी जिसने ये कर्म किया था वो बना वापस गस्सु कुमार। और अब वो कर्म बाकी था मुक्ति में, और भगवान कहते एक कर्म भी बाकी हो तो मोक्ष नहीं होता। अब उस कर्म को आमंत्रण करने के लिए कोई निमित्त बनना था। अब हमेशा हम वाणी में कहते हैं निमित्त निर्दोष है। अब सोमिल ब्राह्मण दोषी है कि निर्दोषी है, यही बात आगे कृष्ण महाराज को भगवान बताएंगे कि निमित्त निर्दोष है, कर्म उस जीव के खुद के हैं। गस्सु कुमार का हजारों लाखों करोड़ों वर्ष पुलागा एक कर्म बाकी था, उसके कारण उनकी मुक्ति नहीं हो रही थी और वो कर्म निकाचित था, क्योंकि इतनी माया के साथ इतनी तीव्र भाव से उसने बांधा था, उस राग भाव में बांधा था, द्वेष भाव में बांधा था। तो वो कर्म आया और वहां गस्सु कुमार का जीव इस समय भगवान से विधि सीख के आया था और पिछले जन्मों की साधना साथ लेके आया था। तो भगवान ने कल भी देशना में फरमाया कि एकमात्र तुम्हारी मुक्ति का सीक्रेट है तो वो क्या है, स्वरूप को बोध करके स्वरूप में स्थिर हो जाओ। और गस्सु कुमार कायोत्सर्ग में जाकर के काया का मोह तोड़ चुका था, पिंड को पराया बना चुका था और जीव की गहराई में स्व को स्व में स्थिर कर चुका था। हम बाहर से देखते हैं काया के ऊपर बड़ा उपसर्ग आया है, लेकिन जीव कहाँ था, ये वहां पर परीक्षा थी। आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो आपको कितनी तकलीफ होती है, और खुद के घर में आग लग जाए तो कितनी तकलीफ होती है। तो पिंड को पराया मान के उसको पड़ोसी मान लिया और खुद जीव अनंत सुख में उतर गए और भेद ज्ञान की शत प्रतिशत भेद करते गए
और वहाँ पर उस समय इतना तीव्र भाव आया कि वो निकाचित कर्म भी टूट गया और अनंत सुख में लीन होते हुए उन्होंने अपने पिंड को पराया मान करके पराये पर आए हुए अवसर को दृष्टा भाव से देखते गए और स्वस्थिति की अखंड धारा खंडित नहीं हुई और उसका परिणाम हुआ कि वो मुहूर्त पार कर गए। उसी समय उनको केवल ज्ञान भी हो गया और केवल ज्ञान होने के बाद आयुष कर्म शेष नहीं रहने से आयुष भी वहीं सभी अंतकृत आत्माएं हैं। केवल ज्ञान और सिद्ध शिला के बीच में गैप नहीं है, सबके साथ ऐसा ही हुआ। उसी समय केवल ज्ञान हुआ और उसी समय आयुष पूर्ण हुआ और वे सिद्ध शिला को प्राप्त हो गए और गज सुकुमार वहाँ पे सिद्ध शिला को प्राप्त हो गए। ये सीक्रेट विधि आपको अरिहंत वाणी में जो दोपहर में 3:30 से 4:30 के अंदर जो ध्यान हो रहा है आत्म ध्यान शिविर में जो लोग सीख रहे हैं उनको वही विधि मिल रही है जो गज सुकुमार ने उपयोग में ली, जो भगवान महावीर ने ली। वर्तमान में महाविद्या में सिमंदर स्वामी आदि 20 वीरमान जी के निर्देशन में जो साधनाएँ चल रही है वो सभी एक ही साधना है। तीनों काल में निश्चय नहीं कि साधना में कोई अंतर नहीं है, एक ही विधि है। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं कि सत्य पंचम आर्य में बदल जाता है और चौथे आर्य में चेंज होता है, पंचम आर्य में सत्य वही है, चौथे आर्य में भी सत्य है। जब तुम जीव विभाव में जाओगे तो बंधन होंगे, जीव जब तुम स्वभाव में आओगे तो निर्जरा होगे। चाहे तुम चौथे आर्य में हो, चाहे पांचवें आर्य में हो, चाहे तुम नरक में हो, तिरेंज में हो, मनुष्य में हो, देव में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, न क्षेत्र बाधक है न काया बाधक है। कर्म का बंधन विभाव में है और कर्म का क्षय स्वभाव में है। हम पंचम आर्य के जीव आर्य को बाधक बना करके रास्ते निकालते हैं, क्रियाकांडों में अटक जाते हैं, कर्ता भोक्ता बन जाते हैं, पुण्य पाप में उलझ जाते हैं। मूल साधना अभी भी है, अभी भी जो भवी जीव है जिनकी तैयारी है उनको मिल रही है, लेकिन जीव अपने पूर्व आग्रहों में इतने अटके हुए हैं जिनकी तैयारी नहीं है उनको नहीं मिल पाता। मैंने किसी भाई से ऐसे पूछा, मैंने कहा भाई आप भी मंगल पाठ सुनने आते हो, प्रवचन में आया करो, तो कहते यह सामयिक नहीं होती। मैं क्यों सामयिक, कोई बाधक दे रही है आपको क्या? वो कहते नहीं ऐसे पंखे में बाधक नहीं। मेरे समझ में आएगा इसकी धारणा दूसरी है, अब इसकी धारणा तोड़ने का समय अभी नहीं है, काल इसका पका नहीं है। जब काल पकेगा तो वो इन धारणाओं के पार करके मूल साधना को पकड़ लेगा, इन क्रियाकांडों से पार जा करके जीव में स्थित हो जाएगा। लेकिन जैसे श्रीमद जी ने कहा इस काल में हमको पंचम आर्य में हमको मोक्ष मार्ग देख करके करुणा उपजती है, कोई क्रिया जड़ थी रहा, कोई शुष्क ज्ञान मालिन, माने मार्ग मोक्ष नो करुणा उपजे जोई। कोई मोक्ष मार्ग के नाम पर कोई क्रियाओं में जड़ क्रियाओं को पकड़ा हुआ है तो कोई शुष्क ज्ञान में पकड़ा हुआ है, लेकिन आत्मार्थ का मार्ग कोई पकड़ने को तैयार नहीं है। ये काल का प्रभाव ऐसा है, लेकिन विधि एक ही है। जब जब आप जीव का बोध पाके स्वभाव में रहोगे तब निजरा, जब जब आप विभाव में जाओगे चाहे किसी भी निमित्त से किसी भी वेश में किसी भी क्षेत्र में वहाँ बंधन होगा। तो भगवान कहते हैं तीनों काल में मार्ग सत्य एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। गज सुकुमार ने वहाँ पे सिद्धि प्राप्त की और अपूर्व तितिक्षा प्राप्त कर सिद्धि प्राप्त की। उसके बाद में यहाँ आता है कि गज सुकुमार ने निमित्त को दोष नहीं लिया इसलिए क्षमा का धारण किया। अगर वे सोमिल ब्राह्मण को निमित्त मान करके कुछ करते तो उनके भाव खराब हो जाते हैं। उन्होंने तो सोमिल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि वो तो कायसर में थे, अपने में लीन थे। कौन पाल बांध के गया, कौन कहाँ गया, वो व्यवहार का संसार उनका है, उनका उससे कोई लेना। अगर उसमें उलझ जाते तो वो सिद्ध ही नहीं हो पाते। अब दूसरे दिन प्रातःकाल कृष्ण महाराज पुनः भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं और उस समय में भगवान से प्रश्न पूछते हैं। सबको वंदना करके भगवान से पूछते हैं कि मेरा जो माँ जाया भाई है गज सुकुमार वो कहीं दिख नहीं रहा है, मैं उसको वंदना करना चाहता हूँ। तब भगवान कहते हैं भाई वो तो जिस काम के लिए आया था अपना कार्य सिद्ध कर गया, तो उसको समझ में नहीं आया भगवान कैसे। तो भगवान कहते हैं कि वो दीक्षा लेने के बाद तीसरे पहर में मेरे पास आया और मेरे से उसने शमशान में प्रतिमा धारण करने की आज्ञा मांगी, मैंने उसको आज्ञा दी और वहाँ पर रात को उसको उपसर्ग आया और उपसर्ग उसने क्षमा भाव से सहन करके जिस काम के लिए उसने दीक्षा ली। दीक्षा किस लिए लेते हैं तो यहाँ पे गज सुकुमार समय जिस काम से दीक्षा ली ने एकमात्र लक्ष्य सिद्ध शिला को जाना है, कर्म क्षय करना है, और कोई लक्ष्य नहीं है, न मान न प्रतिष्ठा न परिवार न चेले न संग न समाज, कोई लक्ष्य वैराग्य का नहीं है। वैराग्य का एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने कार्य को सिद्ध करूं। और उन्होंने अपना कार्य इस प्रकार से उपसर्ग आया और वे स्वभाव में रहे और वहां पे उन्होंने कार्य सिद्ध कर लिया। आयुष पूर्ण होने से उनका वो सिद्ध शिला में जा पहुंचे। अब ये सूचना देने के बाद
अब वितराग दर्शन क्या कहता है देखिए, पेज नंबर 100 पे। उसके अनंतर कृष्ण वासुदेव ने अरिहंत भगवान विष्णुवी के चरणों में निवेदन किया, भगवान मृत्यु का इच्छुक लज्जा विहीन वह कौन पुरुष है जिसने मेरे माँ जाए छोटे भाई गसुकुमाल को अकाल में ही जीवन में रहित कर दिया। कृष्ण महाराज की रोषपूर्ण यह बात सुनकर अरिहंत भगवान विष्णुवी कृष्ण वासुदेव को संबोधित करते हैं। देखो वितरागी और व्यवहार वाले के अंदर में कितना, कृष्ण महाराज उस समय व्यवहार में जी रहे थे, मेरे माँ का जया भाई है उसके साथ ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कौन था जो इसने किया। कृष्ण तुम्हें उस पुरुष पर द्वेष नहीं रखना चाहिए। भगवान क्या कहते हैं, कृष्ण को समाधि में लाने के लिए करेंगे, तुम्हें उसके ऊपर द्वेष नहीं रखना चाहिए क्योंकि उस पुरुष ने मुनि गसुकुमाल को सहायता दी है। अगर आप किसी कार्य में लगे हुए और कोई आपको आके सपोर्ट करता है तो आप उसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हैं या उसके गुस्सा करते हैं? तो उसने तो आप उसको सहयोग दिया जिस कार्य को वो अकेला नहीं कर पा रहा था, जन्मों से वो कार्य पेंडिंग पड़ा था उसमें उसने सहयोग दिया है, तो तुम्हें उसके प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की बात सुनकर कृष्ण वासुदेव ने उनके चरणों में निवेदन किया, भगवान उस पुरुष ने गसुकुमाल को कैसे सहायता प्रदान की? तो महाराज श्री कृष्ण प्रश्न के उत्तर में समाधान करते हुए कहते हैं कि कृष्ण अभी तुम चरण वंदन को आ रहे थे तो द्वारिका नगरी के मध्य में तुमने एक बुद्ध पुरुष को ईंटे उठाते देखा, उसकी दयनीय दशा देखकर तुम्हारे हृदय में करुणा आई, दयाद्र हुआ और ईंटे उठाकर तुमने उनके घर में रख दी। तुम्हारी ईंटे उठाने से तुम्हारे सेवक पुरुषों ने तत्काल सारी ईंटे उठाकर रख दी। इसके पहले घटना घटी कि कृष्ण महाराज जब भगवान के दर्शन करने आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा एक वृद्ध पुरुष ईंटों का ढेर एक 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 ईंट उठा के ले जा रहा है, तो उनके मन में करुणा आई, बेचारा कब तक ये उठा के जाएगा, चलो मैं भी इसका सहयोग कर देता हूँ। तो उन्होंने कुछ ईंटें उठा करके हाथी के उदय से बैठे बैठे दूसरे उसके मकान जहाँ डाल रहा था वहाँ डाल दी, तो उनको देख करके सब ने डाली। अब यहाँ इस दृष्टांत से भगवान उसको समझा रहे हैं कि जैसे तुमने उसका उपयोग सहयोग किया है उसी प्रकार ये अनंत जन्मों का कर्म अकेला क्षय नहीं कर पा रहा था, उसको किसी निमित्त की आवश्यकता थी और तुम वहाँ पे वो जो व्यक्ति जो इसमें निमित्त बना है उस निमित्त से उसके कर्म क्षय हो गए हैं। हे कृष्ण जैसे ईंट उठाकर तुमने उस पुरुष को सहायता की ठीक उसी प्रकार उस पुरुष ने भी मुनि गसुकुमाल के लाखों जन्म से संचित किए हुए कर्मों की उदीर्णा काल प्राप्त न होने पर भी प्रयत्न विशेष किया जाता कर्म का अनुभव। उदीर्ण का मतलब है अभी काल पका नहीं है लेकिन तप के द्वारा विशेष अनुष्ठान के द्वारा ध्यान से कौशक से 12 प्रकार के तप से उस कर्म को पहले उदीर्ण कर लेना। सत्ता में पड़ा एक एक कर्म कब उदय में आएगा इतना हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास तो यही उम्र है और इसी उम्र में हमको सारा काम करना है। तो गसुकुमाल के पास समय नहीं था, उसी समय अपना कार्य सिद्ध करना था, तो उसने वो अनंत जन्मों में उदीर्णा करके कर्म को उदीर्णा करके क्षय कर दिया, बहुत से कर्मों की निर्जा करने में सहायता दी है। भगवान मैं उस पुरुष को किस तरह जानूंगा? महाराज श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का समाधान करते हुए भगवान अष्टमी कहते हैं देखिए भगवान ने किसी का नाम नहीं बताया, किसी व्यक्ति को परिचय नहीं, भगवान त्रिकालज्ञ है, क्यों नहीं बताया कि भाई उसके साथ राग द्वेष होगा और इनके दोनों के भाव खराब हो गए और हम वितरागी का प्रयोजन क्या है कि उसके भीतर में समाधि बनाए रखें, कोई प्रकार का भाव खराब न करें। फिर भी सांकेतिक रूप से कैसे बताया कि कृष्ण तुम यहाँ से चलते समय अनंतर तुम द्वारिका नगरी में प्रवेश करोगे तो उस समय एक पुरुष तुम्हें देखकर भयभीत होगा, वह वहाँ पर खड़ा खड़ा ही गिर जाएगा, आयु की समाप्ति हो जाने से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, उस समय तुम समझ लेना कि वही पुरुष है जिसने गसुकुमाल का इस प्राण लेने में निमित्त बना है। भगवान विष्णुवी द्वारा अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर भगवान विष्णुवी को वंदन नमस्कार करके कृष्ण वहाँ से प्रस्थान किए, अपने प्रधान हस्ति रत्न पर बैठकर अपने घर की ओर चलने का निश्चय किया। श्री कृष्ण अपने निश्चय अनुसार इधर अपने घर की ओर आ रहे थे उधर से अगले दिन सूर्योदय। घटना कैसे घटती है, संयोग कैसे बनते हैं। सौमिल ब्राह्मण भी घर से निकला और सूर्योदय होने पर ब्राह्मण के हृदय में ये विचार आया कि निश्चय ही सूर्योदय होने पर कृष्ण वासुदेव अरिहंत भगवान विष्णुवी के चरणों में वंदन नमस्कार करने गए। भगवान वितराग हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, उनसे कुछ अनजाना नहीं है। मुनि गसुकुमाल को मैंने मार दिया इस बात को उनको पता है, वे अच्छी तरह से जानते हैं। उनका गसुकुमाल का जीवनांत करने वाला सौमिल ब्राह्मण है, ऐसा भी हो सकता है कि वे किसी देवादि से भगवान के इस वृत्तांत को सुन लिया हो। ये सब विचार सौमिल ब्राह्मण के मन में आ रहे हैं और सौमिल ब्राह्मण विचार करता हुआ कहने लगा यह निश्चित है कि वह सब वृत्तांत भगवान विष्णुवी कृष्ण वासुदेव को बता देंगे। अपने छोटे भाई का हत्यारा मुझे जानकर कृष्ण वासुदेव न जाने किस प्रकार मारवाएंगे। इस विचार आते ही सौमिल ब्राह्मण भयभीत हो उठा, त्रास और
और व्याकुल त्रास और उद्वेग से अधिकतर के कारण वह कांपने लगा, भय और त्रास से व्याकुल हुआ। सोमिल अपने घर से निकला। इधर वह घर से भागने के लिए निकल पड़ा, उधर द्वारिका नगरी में प्रवेश करते हुए कृष्ण वासुदेव उसके सामने आ गए, और इस प्रकार सोमिल ब्राह्मण और कृष्ण वासुदेव का अचानक ही परस्पर सामना हो गया। उसके अनंतर वह सोमिल ब्राह्मण श्री कृष्ण के अचानक अपने सामने देखकर मारे भय के मारे घबरा गया और उनका हृदय धड़कने लगा। अधिक भय के कारण आयुष कर्म की समाप्ति होने पर वहाँ खड़ा कड़ाई वह समाप्त हो गया, धड़ाम से उसका शरीर भूमि तल पर गिर पड़ा। तो ये संयोग बन रहा है, उधर वह घबराया हुआ डरा हुआ और इधर से कृष्ण वासुदेव का सामना हो गया और वहीं पर उसका हार्ट अटैक आ गया। अभी हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं, चौथे आ रहे में हार्ट अटैक सोमिल ब्राह्मण को आया। भूमि तल पर गिरे सोमिल ब्राह्मण को देखकर श्री कृष्ण ने अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहा, हे भद्र पुरुषो, सामने भूमि तल पड़ा हुआ मृत्यु का पार्थी लज्जाविहीन यह वही सोमिल ब्राह्मण है जिसने मेरे माँ जाया भाई का मुनि राज कृष्ण अकाल में ही जीवन में रहित कर दिया। अब यह अकाल नहीं था, उनका काल परिपक्व हुआ था, वो तो अपने कार्य सिद्ध में कह लें, लेकिन व्यवहार में यहाँ कृष्ण महाराज समझ रहे कि भाई मेरा भाई तो अभी लंबे समय तक संयम पालता, इसने ये निमित्त बन गया। वितराग दर्शन और सामान्य व्यक्ति के व्यवहार में कितना अंतर है दृष्टि का। दृष्टि बदल दो तो सृष्टि बदल जाती है। वितराग दर्शन कहता है कि वहाँ पर दोषी निमित्त निर्दोष है और मूल जिसने जिसके उदय कर्म आए उसी का दोष है। सामने वाले को निर्दोष मान करके उसको लेकर न राग करो न द्वेष करो। अब वहाँ पर आदेश दिया चंडालों को, वासुदेव कृष्ण चंडालों को बुलवाते हैं और सोमिल ब्राह्मण को पैरों में रस्सी बांधकर इनसे घसीटवा कर द्वारिका नगरी के बाहर फिकवा देते हैं। यह सब कुछ करने के अनंतर सोमिल ब्राह्मण का शव पड़ा था, उस भूमि को जल से साफ करवाने के अंत में वे अपने घर चले गए। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्बू को संबोधित करते कहते कि जम्बू यावत मोक्ष संप्राप्त भगवान महावीर ने अंतक दिशा के तीव्र के अष्टम अध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादित किया है। आगे तृतीय वर्ग में सम्मुख कुमार का वर्णन चलता है। जिस प्रकार सम्मुख कुमार के जीवन का उल्लेख किया गया उसी प्रकार द्विमुख और कुपधारक इन दो राजकुमारों के विषय में भी जान लेना चाहिए। सम्मुख द्विमुख कुपधारक ये तीनों के राजा बलदेव के पुत्र माता धारिणी के आत्मज थे। उनकी तरह दारुक कुमार की जीवनी अंतर केवल इतना ही है कि उनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारिणी है। दारुक कुमार ने भाई अनादृष्टि कुमार के जीवन की ही भी ऐसी ही कथा है। आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे जम्बू, इस प्रकार मोक्ष संप्राप्त यावत श्रमण भगवान महावीर ने आठवें अंग अंतक दशा के तृतीय वर्ग के तेरहवें अध्ययन का यह अर्थ प्रतिपादित किया। तृतीय वर्ग समाप्तम। चतुर्वर्ग एक से दस अध्ययन तक अपने गुरुदेव आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में निवेदन करते हुए आर्य अनगार जम्बू बोले, भगवान यावत मोक्ष संप्राप्त श्रमण भगवान महावीर ने अंतकर सूत्र के तीसरे वर्ग का अर्थ बताया, आप चतुर्थ वर्ग का अर्थ प्रतिपादन किया है, क्या फरमाया है? तो उन्होंने अपने शिष्य जम्बू अनगार को प्रश्न का समाधान करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी को संबोधित करते हुए कहते हैं, जम्बू मोक्ष संप्राप्त भगवान भगवानी ने अंतकर सूत्र के चतुर्थ के दस अध्ययन कथन किए हैं। इस अध्ययनों के नाम इस प्रकार है, जाली कुमार, मयाली कुमार, उबियाली ई कुमार, पुरुषण कुमार, वारिशण कुमार, प्रद्युम्न कुमार, श्याम कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सत्यनेमी, दृढ़नेमी। अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करके आर्य जम्बू अनगार ने अपने गुरुदेव आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में पुनः निवेदन किया, अंतकर सूत्र के चरणों में दस अध्ययन बताया, इसमें तो भगवान प्रथम अध्ययन में क्या फरमाया है? आर्य जम्बू अनगार के प्रश्न को उत्तर देते हुए सुधर्मा स्वामी, उस काल उस समय द्वारिका नगरी थी, उसमें वासुदेव कृष्ण राज्य किया करते थे। नगर की लंबाई चौड़ाई था कृष्ण महाराज के। राज्य विवेक का परिचय प्रथम अध्ययन में दिया जा चुका है। इसी द्वारिका नगरी के एक भाग में शासक महाराज वसुदेव थे। वासुदेव और वसुदेव में अंतर है ना, जो चित्रीखंड के अधिपति वासुदेव है, वसुदेव उनके अधिष्ठित राजा हैं। महाराज वसुदेव की नाम की धारिणी समय आने पर माता धारिणी ने एक बालक को जन्म दिया। बालक का लालन पालन प्रथम अध्ययन में वर्णित राजकुमार गौतम के समान किया। अंतर केवल इतना है कि नाम संस्कार करते समय बालक का नाम जाली कुमार रखा गया। युवक हो जाने पर जाली कुमार को 50 राजकन्याओं के साथ विवाह संपन्न हुआ। इनको 50-50 प्रकार का दहेज मिला। एक बार द्वारिका नगरी ने भगवान अरिष्टनेमी पधारे। जाली कुमार भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। भगवान के धर्मोपदेश से हृदय में वैराग्य भाव जागा और माता पिता से आज्ञा लेकर भगवान के चरणों में दीक्षित हुए। उन्होंने 12 अंगों का अध्ययन किया। 16 वर्ष तक संयम साधना प्रार्थना की। जिस प्रकार प्रथम अध्ययन में वर्णित गौतम कुमार मुनिराज ने
भगवान से आज्ञा लेकर भिक्षु प्रतिमाओं को धारण किया, गौंडत्न संवत्सर तप किया, स्थबीरों के साथ शत्रुंजय पर्वत तपस्या की। उसी प्रकार मुनि जाली कुमार ने भी सब कुछ किया और अंत में शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध पद प्राप्त किया। जाली कुमार की भांति ही मयाली कुमार, उभयाली कुमार, पुरुषण कुमार, वारिषण कुमार ने संयम की साधना द्वारा सिद्ध पद की प्राप्ति की। इसी प्रकार प्रद्युम्न कुमार, श्याम कुमार, अनिरुद्ध कुमार, सत्यनेमी, दृढ़नेमी कुमार श्री सिद्ध पद को प्राप्त हुए। अंतर केवल इतना ही है कि प्रद्युम्न कुमार के पिता श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी थी, श्याम कुमार की माता जाम्बती, अनिरुद्ध के पिता प्रद्युम्न एवं माता वेदर भी, तथा सत्यनेमी कुमार के और दृढ़नेमी कुमार इन दोनों के पिता समुद्र विजय और माता शिवा देवी थी। इन सब का शेष वर्णन समान ही है, संयम साधना करके सभी शत्रुंजय पर्वत पर सिद्ध हो गए। आर्य सुधर्मा स्वामी ने अपने जम्बू अनगार के कहने पर कहने लगे कि हे जम्बू, मोक्ष प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकट सूत्र के चतुर्थ का यह प्रतिपादन किया है। चतुर्थ वर्ग समाप्त। चतुर्थ वर्ग में 10 कुमारों का, जो श्री कृष्ण महाराज के राज्यकाल में है, उन 10 कुमारों ने दीक्षाएं ली और उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। उनका सारा विस्तार का वर्णन जो सर्वप्रथम गौतम अणगार का आया है, उसी प्रकार यहाँ उनकी साधना विधि समझ लेनी चाहिए। पंचम वर्ग में पद्मावती, यहाँ से सन्नारियों का मोक्ष का मार्ग शुरू होता है। अभी तक जितना भी वर्णन आया था सब पुरुषों का आया था। इस वर्ग में 10 अध्ययन है, इसमें 10 सन्नारियों का आध्यात्मिक जीवन की गाथाएं प्रस्तुत की है। जिस अध्ययन में जिस नारी के जीवन का वर्णन हुआ है, उसी नारी के नाम से उस अध्ययन का नाम रखा गया है। इस वर्ग में जिन 10 रानियों का जीवन का उल्लेख किया गया है, उनमें से 8 तो श्री कृष्ण की रानियां हैं और 2 उनकी पुत्र वधुएं हैं। आर्य जम्बू स्वामी ने अपने गुरुदेव आर्य सुधर्मा स्वामी के चरणों में निवेदन किया। मोक्ष प्राप्त श्रवण भगवान महावीर ने चतुर्थ वर्ग का अर्थ वर्णन किया, पंचम वर्ग में फरमाइए। आर्य जम्बू की इस प्रार्थना को स्वीकार करके पंचम वर्ग के 10 अध्ययन बताए, उसके नाम बता रहे हैं। पद्मावती देवी, गौरी देवी, गंधारी देवी, लक्ष्मणा देवी, सुसीमा देवी, जाम्बती देवी, सत्यभामा देवी, रुक्मणी देवी, मूलश्री और मूलदत्ता देवी। अपने प्रश्न का उत्तर अनगार आर्य जम्बू के अपने गुरुदेव से सुधर्मा स्वामी चरण निवेदन करते हैं। भगवान, अब पंचम वर्ग के 10 अध्ययन बताए, उसमें प्रथम अध्ययन का अर्थ क्या है? आर्य जम्बू अनगार के प्रश्न का समाधान करते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी, जम्बू उस काल उस समय द्वारिका नगरी में प्रथम वर्गीय प्रथम अध्ययन में जैसे वर्णन किया गया था, उसी प्रकार कृष्ण वासुदेव वहाँ पर राज्य किया करते थे। कृष्ण वासुदेव की पटरानी का नाम पद्मावती था। पद्मावती देवी नारी योग्य सभी सद्गुणों से संपन्न थी का गुण वर्णन औपाधिक सूत्र के समान जान लेना चाहिए। उस काल उस समय विराग भगवान विष्णु भी द्वारिका नगरी पधारे। नगरी के बाहर नंदन वन नामक उद्यान में विराजमान हो गए। तप एवं संयम में अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरण करने लगे। भगवान नगरी में पधार गए। इस बात की सूचना जब श्री कृष्ण को मिली तो भगवान के दर्शन करने के लिए अपने घर से चले और द्वारिका नगरी के बाहर उद्यान में विराजमान भगवान की सेवा में उपस्थित होकर उनकी सेवा भक्ति करने लगे। श्री कृष्ण की पटरानी पद्मावती देवी ने भगवान से आगमन के शुभ संवाद सुना। इस समाचार को सुनकर पद्मावती आनंद विभोर हो उठी, उसका रोम पुलकित हो गया। उसने तत्काल अपने राजसेवकों को धार्मिक रथ तैयार करने की आज्ञा प्रदान की। माता देवकी की तरह वह भी भगवान के चरणों पर उनकी सेवा करने लगी। वासुदेव, श्री कृष्ण, महारानी पद्मावती, अन्य श्रद्धालु जनता के यथास्थान पर बैठ जाने पर वितराग भगवान अष्टमी ने सबको धर्मकथा सुनाई। धर्मकथा सुनने के अनंतर वासुदेव श्री कृष्ण था महारानी पद्मावती को छोड़कर अन्य श्रोता मंडल वहां से चला गया। उसके अंदर वासुदेव कृष्ण अरियंत भगवान वितराग अष्टमी चरणों में नमस्कार करके, वंदना नमस्कार करके मैं निवेदन करते हैं, भगवान 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी देवलोक के समान द्वारिका नगरी का अंत किस प्रकार होगा? इसके विवाह विनाश का कौन कारण बनेगा? इसका वर्णन कल भगवान ने फरमाया कि कैसे कृष्ण महाराज ने प्रश्न पूछे और किस प्रकार वहाँ पे सुरा और द्वैपायन ऋषि के निमित्त से द्वारिका नगरी का नाश होगा, या अरिहंत परमात्मा ने फरमाया। और वहाँ पर ये फरमाया तो उनके मन में चिंतन चला कि धन्य वो जाली कुमार, मायाली कुमार, जिसके पहले 10 वर्णन आए, उन सब ने तो दीक्षा ले ली और मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूँ, और द्वारिका नगरी भी का भी नाश होने वाला है, ऐसे समय मैं भी यहाँ से सीखूँ। तो भगवान ने जैसे उनके भाव सुने, भाव देखे, क्योंकि भगवान तो त्रिकालज्ञ हैं, तब भगवान ने सामने से उनको पूछा कि कृष्ण, तुम्हारे मन में ये विचार आ रहा है कि वह सब धन्य है और मैं अधन्य हूँ, और वो सब तो दीक्षा ले लिए, मैं दीक्षा क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? तब भगवान एक रहस्य उद्घाटन करते हैं कि कृष्ण वासुदेव जो भी होते हैं वो निदान कृत बनते हैं। पूर्व भूमि में तुमने निदान किया होता है, इसके कारण इस भूमि में वो चाह करके भी दीक्षा नहीं ले सकते हैं। आपकी इच्छा हो रही है और दीक्षा नहीं ले पा रहे हो तो समझो हो सकता है कोई पिछला कोई निदान भी बीच में अंतराय पड़ रहा हो, जो भाव ही नहीं बन रहे। नहीं तो बहुत सारों के भाव बनते हैं, आज्ञा नहीं मिलती है।
कई सारों के सब आज्ञा देने को तैयार है, भाव ही नहीं बनते। इसका मतलब कोई ऐसा पूर्व का आपका ऐसा निकाचित कर्म बीच में आ रहा है जो भाव नहीं बनने दे रहा है। तो कृष्ण के भगवान के मन में जो भाव बने थे उसको भगवान ने उद्घाटित किया और कहा कि वासुदेव कृष्ण की बात सुनकर यंत भगवान अष्टमी के वसुदेव को कहने लगते हैं, हे कृष्ण निश्चय रखो भूत वर्तमान भविष्य में इन तीनों कालों में ऐसा नहीं हो सकता कि वासुदेव राजपाट को छोड़कर साधु बन जाए, दीक्षा अंगीकार लें। भगवान अष्ट की बात सुनकर वासुदेव श्री कृष्ण भगवान के चरणों में निवेदन करने लगे, भगवान वासुदेव भूत वर्तमान और भविष्य में दीक्षा नहीं ले सकते, किस कारण नहीं ले सकते हैं? वासुदेव का प्रश्न सुनकर उत्तर अष्टमी कृष्ण भगवान उत्तर देते हैं, कृष्ण सभी वासुदेव पूर्व भूमि में निदान किए होते हैं। जो भी वासुदेव बनते हैं वो पिछले भूम में निदान करते हो। निदान किसका होता है? निदान किसका होता है? ऐसा तो कोई निदान नहीं करता कि मैं अगले भूम में मोक्ष जाऊं। निदान किसका करता है? निदान सारे विषय भोगों का करते हैं, सारे पुद्गलों के विषय भोगों के, पांच इंद्रियों के विषय भोग मुझे अभी कमी है, ये मुझे और मिल जाए। आप देखो बैठे बैठे कई बार आपके जीवन में कई कमियां आती है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई घटना घट जाती है, उस समय में ऐसा कोई चिंतन मत करना कि मेरी करने का फल हो तो मुझे ये काम हो जाए, मेरा ये हो जाए, चाहे वो बेटे की शादी हो रही कि नहीं, चाहे दुकान हो रही कि नहीं हो रही, चाहे और काम हो रहा कि नहीं हो रहा है, आपको खाने पीने को विषय भोग नहीं मिल रहे हो, तो ऐसे समय में कोई मन में संकल्प, दूसरे को देख के हम संकल्प करते हैं, क्या करते हैं, वो तो इतना आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों, मैं कब जाऊँ, मेरी करने का फल हो तो मुझे ऐसा मिल जाए। जिन्होंने भी निदान किया सबने ऐसा किया और उस अनंत पुण्य से उसको आगे जाकर के मोक्ष मार्ग मिलना था, लेकिन वो निदान बीच में आ जाता है और एक भव पूरा खाली चला जाता है। वासुदेव से जो भी वासुदेव बनते हैं इस कारण भूत वर्तमान बहिष्कार में कोई भी सुदेव राजपाट को दीक्षित नहीं हो सकता। निदान के बारे में बताया, निदान जैन परंपरा का एक विशेष परिभाषित शब्द है, मोनी कर्म के उदय से काम भोगों की इच्छा, काम और भोग, काम याने कामनाएं है ना, कामे कमाई कम्यम दुखम चिंदाई दोषम विनेज रागम एवं सुही होसी संप्राय, दुख का कारण कामना है, काम मन में कामना पैदा होना और फिर भोगने के लिए साधन जुटाना, और काम भोग की इच्छा से साधु साध्वी श्रावक श्राविका आदि का अपने चित्त में संकल्प कर लेना, मेरी तपस्या का मुझे अमुक फल की प्राप्ति हो, उसे निदान कहते हैं, जन भाषा में इसे नियाणा कहते हैं। निदान कल्याण साधक नहीं, जो व्यक्ति निदान करके मरता है उसका फल प्राप्ति करने में उसे निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। वसुदेव की पदवी पूर्व भव में किए गए निदान का फल होता है, अतः वासुदेव के भव में कोई जीव संसार त्याग कर साधु नहीं बन सकता। अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त कर कृष्ण वासुदेव अरिहंत भगवान से पुनः एक प्रश्न बताया, भगवान मृत्यु की घड़ी आने पर काल करके मैं किस दिशा में जाऊंगा, किस स्थान पर जन्मूंगा। जब भी कोई हमारे ज्ञानी पुरुष मिलते हैं हम ऐसे तीन प्रश्न करते हैं, है ना, तो पहला तो अपने शहर के अपने परिवार के बारे में पूछ लिया, तो भगवान ने बता दिया कि इस नगर का ऐसा होगा, फिर भगवान ने स्वयं ही उसके मन की बात का समाधान दे दिया कि तू दीक्षा क्यों नहीं ले सक रहा है। अब उसने पूछा कि मेरा अंतिम समय कैसा बीतेगा, मैं कैसे शरीर को छोड़ूंगा, तो भगवान ने वहां पे उसका सत्य बताते हैं कि जब एक मृत्यु की घड़ी आने पर काल करके किस दिशा में जाऊंगा, किस स्थान पर जम लूंगा। कृष्ण वासुदेव के प्रश्न का उत्तर देते हुए अरिहंत भगवान अष्टमी कहने लगे, कृष्ण सुरा और देव रूप देवपायन ऋषि के क्रोध से अग्नि से द्वारिका नगरी जब दग्ध होकर के जल जाएगी, माता पिता और निज संपत्तियों को रहित केवल राम और बलदेव के साथ तुम दक्षिण समुद्र के किनारे की ओर, युधिष्ठिर प्रधान पांडु राज के पात्र पांच पांडवों के पास पांडु मथुरा की ओर जाते हुए कोशाम्र वन में वन की निवग्रोध वट वृक्ष में नीचे पृथ्वी शिला के पट पर पीत वस्त्र से अपने शरीर को ढांपे हुए जरा कुमार के द्वारा धनुष के छोड़े बाण से पांव बिन जाने पर मृत्यु के समय काल करके तुम तीसरी बालुका प्रभा में यानी पाताल, जैसे कल भगवान ने फरमाया कि पाताल में जाएंगे यानी अधोलोक में तुम्हारी होगी, तो वो एकदम चिंतित हो गए कि मैं इतना बड़ा राजा, इतना कुछ इतना किया और अब मैं अधोलोक में जाऊंगा, तो भगवान कहते चिंता मत करो, आगे का समय तुम्हारा बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो तुमने ऐसे युद्ध किए कर्म बांधे उन कर्मों को क्षय करने के बाद भविष्य तुम्हारा बहुत उत्तम है। तो भविष्य क्या है, तीन ही बातें, भूतकाल पूछ लो, वर्तमान काल और आगे भविष्य में क्या होने वाला है। किसी भी महापुरुष को आपको सानिध्य मिलता हम यही पूछते हैं, मेरे कितने भव रहे, कब मैं मोक्ष जाऊंगा, तो उन्होंने पूछा मेरा आगे भविष्य उत्तम कैसे है, तो भगवान फरता है कृष्ण वासुदेव तू ये दशा देखकर अरिहंत भगवान ने कहते हैं, कृष्ण निराश होने क्यों होते हो, आर्त ध्यान करने का कोई आवश्यकता नहीं, अगर कोई आर्त ध्यान कर रहा होता है तो भगवान कैसे उसका आर्त ध्यान रुकते हैं, कि वर्तमान की घटना को लेकर तुम दुखी मत हो, अब भविष्य तुम्हारा बहुत उत्तम है, इसके आगे काल सुंदर ही सुंदर है, उज्ज्वलित
इसके बाद व्यवधान से निकल कर आने वाली उत्सर्पणी में तुम जम्बूद्वीप के अंतर्गत भारतीय पंडू देश में शतद्वार नामक नगर में अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे। भविष्य बता दिया कि वहाँ से जब तुम बाहर निकलोगे तो मनुष्य बनोगे और 12वें तीर्थंकर के रूप में वहाँ तीर्थ की स्थापना करोगे और फिर वहाँ से निर्वाण को प्राप्त करोगे। अनेक वर्ष तक केवली दशा को प्राप्त करके तुम सिद्ध बन जाओगे, ज्ञान के द्वारा समस्त पदार्थ को जान जाओगे, संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाओगे, सकल कर्म जन्य संतापों से छूट जाओगे, जन्म मरण जन्य समस्त दुखों का अंत कर डालोगे। ये भगवान अरिष्टनेमी ने उनके भविष्य का उजागर किया है। अब भविष्य के बारे में जानकर पहले आज ध्यान करने लगे और अब आगे उनके मन में क्या भाव आता है अगले पैराग्राफ में देखिए। अरिंद भगवान अरिष्टनेमी के पास भविष्यकालीन निर्वाण पद की प्राप्ति की सुगत वार्ता सुनकर कृष्ण वासुदेव आनंद विभोर हो उठे, उनकी भुजाएं फड़कने लगी, हर्षाधिक के कारण वे उच्च स्वर में बोलते हुए मल्ल की भांति उछलने लगे, सेनाद कर उठे। इस तरह आंतरिक प्रमोदातिरेक की अभिव्यक्त करने के अनंतर कृष्ण वासुदेव अरिहंत भगवान अष्टमी को वंदन नमस्कार करके जिस उत्तम हाथी पर चढ़कर आए थे उसी पर बैठकर द्वारिका नगरी में जहाँ अपना घर था वहाँ आ जाते हैं, आकर पूर्व दिशा में सुमुख करके बैठते हैं और राज सेवकों को बुलवा कर वे इस प्रकार कहते हैं। अब इनकी द्वारिका नगरी का कैसे विनाश हुआ क्या हुआ इसके बारे में वर्णन यहाँ पर बताते हैं और अब कृष्ण महाराज वहाँ से सुन करके क्या घोषणा कराते हैं। कृष्ण महाराज वहाँ से आते हैं और घोषणा कराते हैं कि भाई आपने सेवकों को कहते हैं कि हे भद्र पुरुषों, आप लोग द्वारिका नगरी में त्रिकोण वर्ग त्रिपथ चतवर और सभी मार्गों पर जाकर यह सूचना दे दो कि 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी का सुरा अग्नि और द्वैपायन ऋषि के हाथों विनाश होगा। अतः द्वारिका नगरी का कोई भी निवासी राजा युवराज ईश्वर तलवर माडम्बिक इव्य श्रेष्ठी देवी रानी कुमार कुमारी अरिहंत भगवान विष्णु के पास मुंडित एवं प्रवचित होना चाहे तो कृष्ण वासुदेव की ओर से उसको मुंडित एवं प्रवचित होने की आज्ञा है। राज आज्ञा मिल गई। अब क्या किया, जानने के बाद सारी देवी नगर तो समाप्त होने वाला है, इस जलती आग में से जो निकलना चाहे वो निकलो। तो उन्होंने सबको अपनी देव से राज आज्ञा दे दी और क्या कहा, किसी के बीच यदि कोई उसका संबंधी आतुर निराश्रित रहेगा, मान लीजिए आपके जाने के बाद घर में कोई पालने वाला नहीं है, घर की देखने वाला नहीं है, तो क्या, तो उसकी रक्षा की आजीविका यथोचित प्रबंध किया जाएगा। प्रवचित होने वाला कोई भी अपने पीछे की चिंता न करे। इसके अतिरिक्त प्रवचित होने वाले व्यक्तियों की दीक्षा संस्कार दीक्षा की जो विधि है वो मैं कराऊंगा, कृष्ण वासुदेव सम्मानपूर्वक समारोह के साथ स्वयं करवाएंगे। इस प्रकार यह 2 बार 3 बार घोषणा करके मुझे उसकी सूचना दो। कृष्ण वासुदेव का आदेश सुनकर राजसेवकों ने द्वारिका नगरी के सभी प्रदेशों में महाराज श्री कृष्ण का आदेश घोषणा द्वारा पहुंचा दिया और वापस आकर उनकी सूचना वासुदेव कृष्ण को दे दी। अब इसी समय में ये सूचना दे दी गई है, सब लोग उसके हिसाब से तैयारी करती हैं। इधर कृष्ण महाराज ने सबको आज्ञा दे दी तो इधर उनकी जो पटरानी है पद्मावती उसके मन में भी वैराग्य पैदा हो जाता है। अब वो दीक्षा लेने के लिए तैयार होती है। उधर कैसे अंत हुआ कल भगवान ने आपको विस्तार से बताया ही है, मैं उसको रिपीट न करते हुए शॉर्ट में बता देता हूँ कि किसी जब ये बात चालू मालूम पड़ी तो वहाँ पे कोई मुनिराज आए, ज्ञानी पुरुष आए, उनसे कृष्ण महाराज ने पूछा कि इस नगरी को ऐसा जलने की संभावना है तो इसको कैसे बचाया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने बताया उपाय कि जब तक आपकी द्वारिका में आयमिल तब चलता रहेगा तब तक उस द्वैपायन ऋषि का उस देव का अग्निकुमार देव का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। घटना क्या घटती है कि वो कुछ कुमार वहाँ पर घूमते घूमते क्योंकि जैसे मालूम पड़ा कि शराब के कारण होगा तो वासुदेव ने सारी शराब बाहर फेंकवा दी और नगर में घोषित कर दिया कि यहाँ पे कोई शराब बना नहीं सकता शराब पी नहीं सकता, पुरानी सब बाहर फेंकवा दी। एक बार वो लड़के खेलते खेलते गए और उनको प्यास लगी थी और पुरानी शराब वहाँ पे गड्ढों में पड़ी हुई थी, वो पानी समझ करके शराब पी गए और शराब पीते उनको नशा चढ़ गया और नशे में जब व्यक्ति पागल हो जाता है उसको कुछ पता नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, और उसी नशे में उन्होंने वहाँ पे पास में द्वैपायन ऋषि तप कर रहे थे साधना कर रहे थे और तप करते करते उस ऋषि को वहाँ पे परेशान किया और उसकी साधना में विघ्न लाए और यहाँ तक कि घोड़े दौड़ाए और वहाँ पर कोई मरा हुआ सांप था वो भी उसके लाके गले में डाल दिए। तो द्वैपायन ऋषि एकदम गुस्से में हो गए और गुस्से में आकर के उन्होंने निदान कर लिया कि मेरी तप का बल हो मेरी शक्ति हो तो मैं इस यादव वंश का
और इन सारी द्वारिका का नाश कर दो। तो वहाँ से आयुष पूर्ण करके, ऋषि उस समय तो कुछ नहीं करते, आयुष पूर्ण करके वे अग्नि कुमार के देव बने और देव बन करके वो इंतजार करते रहे कि कब मौका मिले। और मैं कहते बरसों तक वहाँ पे आयंबिल की तपस्या चलती रही, एक सिस्टम बना दिया था हर रोज कोई न कोई आयंबिल करेगा और उस आयंबिल के अंतर्गत चलो। बरसों बीतने के बाद किसी समय, जैसे हमारे यहाँ भी होता है ना, शुरुआत तो बड़े जोश से करते हैं, थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, एनर्जी फुश होने लगती है। और किस समय ठीक है सबने किया होगा, मैं भी कर लूँगा, कोई तो कर ही लेगा, ऐसा करके एक दिन ऐसा आया कि किसी ने द्वारिका में आयंबिल नहीं हुआ और वो देव तो इंतजार कर रहा था ऐसा मौका मिले। और अब यहाँ पे हमारे यहाँ उपवास से भी आयंबिल को ज़्यादा महत्व क्यों बताया कि कोई उपसर्ग परीक्षा आए तो ऐसे समय में आयंबिल तप आपको रक्षा में सहयोग देता है। इस दृष्टिकोण से उपवास कर्मनिद्रा की दृष्टिकोण है, आयंबिल इस दृष्टिकोण से कोई उपसर्ग आए तो उसको टालने की दृष्टिकोण से। और वैसे भी आयंबिल में रश्नेन्द्र के विजय की बात होने से भी आयंबिल का अपना महत्व है। तो वहाँ उसने सारी नगरी को जला दिया, सब धू धू करके जल जाएगा, कोई बच नहीं पाया। और कृष्ण और वासुदेव, जब कृष्ण वासुदेव और बलराम उनके पास गए, जब उन्होंने निदान किया तो उनको कहा कि तुम किसी तरह से निदान तोड़ दो, जब ऋषि थे उस समय में, तब उन्होंने कहा निदान तो वापस नहीं लूँगा लेकिन तुम दोनों भाई बच जाओगे, बलराम और कृष्ण। और ऐसे ही बना, संयोग से सब जल रहा था तो उन्होंने देखा अपने माता पिता को बचा के लाए, माता पिता को बचाने गए, रथशाला में एक रथ देखा, रथ को पे उनको बिठाया और घोड़े वोड़े सब मर गए थे, कोई नहीं मिला, तो खुद ही दोनों भाई रथ में जुट करके उसको लेकर के आ रहे थे। जैसे ही द्वारिका के उनके महल के बाहर निकलने लगे कि ऊपर जो गेट था वो जल करके गिरा और माता पिता उस गेट के नीचे, तब वो दोनों भाई अकेले रह गए। अब उस ऋषि ने कहा था तुम दोनों बच जाओगे, बाकी कोई नहीं बच सकोगे। अब उन्होंने सोचा औरों को शरण देने वाला ये कृष्ण अब किसकी शरण में जाए, दोनों भाई चिंतन करने लगे। तब उन्होंने विचार किया और उन्होंने सोचा कि पांडु के वहाँ पे चलते हैं। तो बलराम ने कहा भाई हमारी जो बुआ है वो कुंती के घर तो जा ही सकते हैं, बुआ के घर तो जा सकते हैं। उन्होंने कृष्ण ने तर्क दिया कि वहाँ पे अपनी बहन दे रखी है सुभद्रा, वहाँ पर हम कैसे जाएं। तब उन्होंने कहा बुआ के घर जा सकते हैं, ऐसा करके विचार करके वो से निकलते हैं। मार्ग में घटना घटती है कि प्यास लगती है, पानी लेने के लिए बलराम कहीं आसपास जाते हैं और भगवान ने भविष्यवाणी की थी कि जरा कुमार का जो तीर लगेगा उसके निमित्त से तुम्हारे शरीर की, जरा कुमार इस भय से कि मैं कृष्ण का निमित्त न बनूं, तो उसने गांव शहर सब छोड़ दिया और जंगल में चला गया। पर होने को कोई टाल नहीं सकता, जो तीर्थंकरों का वाक्य है वो होना है होना ही है। और उसी के अनुसार वहां पर जरा कुमार ने किसी की हिरण की आंख समझ करके, क्योंकि कृष्ण वासुदेव जो होते हैं उनके पांव में पद्म मणि होती है, वो पद्म मणि ऐसे चमक रही जैसे हिरण की आंख हो दूर से, तो उसने हिरण की आंख समझ करके तीर चलाया और वो तीर सीधा कृष्ण महाराज के पांव में लगा और वहीं आयुष पूर्ण हो गया। जैसे आवाज़ आई तो वो जरा कुमार वहाँ पहुँचता है और वो अपने लिए क्षमा मांगता है। तब कृष्ण कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अभी बलराम आएगा तो वो तुमको छोड़ेगा नहीं। जरा कुमार जिस पाप से बचने के लिए शहर छोड़ के जंगल में गया, लेकिन नियति के आगे वो भी मजबूर रहा। तो इस प्रकार कृष्ण वासुदेव और बलराम दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं, कृष्ण बीच में ही अपना शरीर छोड़ देते हैं। अब इधर पद्मावती माँ ने आज्ञा मांगी है और दीक्षा लेने की भावना बनी है। पद्मावती भगवान विष्णु के धर्म प्रवचन सुनकर, जो कि पहले आपने सुना कि सब चले गए और पद्मावती वहाँ पर रुकती है, फिर क्या बात होती है, भगवान मुझे निग्रंथ प्रवचन अर्थात आपकी वाणी पर श्रद्धा हुई है, आपके कथन पर पूर्ण आस्था है, केवल आस्था ही नहीं भगवान मैं आपके चरणों में दीक्षित होना चाहती हूँ, पर सब कुछ कृष्ण वासुदेव की आज्ञा लेने के अनंतर करना चाहती हूँ। महारानी पद्मावती के श्रद्धापूर्ण निवेदन सुनकर वितराग भगवान विष्णु ने कहने लगे देवानुप्रिय जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो, एक बात का ध्यान रखना, शुभ कार्य में विलंब नहीं करना। ये बात बार बात भगवान क्यों कहते हैं, माँ परिबंध करेगी, हम क्या हम प्रमाद कहाँ करते हैं और जल्दी कहाँ करते हैं, हम संसारिक कार्य को करना है, राग द्वेष का काम करना है, विवाह में जाने का काम करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। और जहाँ आत्मा का कल्याण करने की बात है, स्वभाव की बात है, वितरागता की बात है, वहाँ हम क्या करते हैं, प्रमाद कर जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि शुद्ध धर्म की आराधना में जरा भी प्रमाद मत करो, तीव्रता से आगे बढ़ो, क्योंकि भगवान जानते हैं कि जैसे ही संसार में जाएंगे संसारी इनके ऊपर
अनेक प्रकार की बातें करेंगे, उसमें कहीं ये वहाँ पर वैराग्य जगा हुआ, इसका वैराग्य वहाँ पर ढीला ना हो जाए। भगवान कृष्ण ने यह आज्ञा सुनकर महारानी पद्मावती वहाँ से चल दी और धार्मिक धर्मस्थल पर जाने के लिए उपयोग में आने लगे। वह रथ में बैठी और देवानुप्रीति, आप मुझे आज्ञा दे, कृष्ण महाराज से आज्ञा लेती है और वह दीक्षित होने के लिए जाती है। भगवान कृष्ण महाराज पहले ही डिक्लेयर कर चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा तुम्हारी आत्मा को शांति हो, वैसा करो, मेरी ओर से तुम्हें दीक्षित होने की आज्ञा है। महारानी पद्मावती के दीक्षित हो जाने की आज्ञा देने के बाद कृष्ण वासुदेव ने राजसेव को बुला करके सारी दीक्षा की तैयारी कराई और दीक्षा की तैयारी करा करके भगवान ऋषनेमी के वहाँ पर पहुँचे। कैसे दीक्षा की तैयारी की उसका विस्तार से यहाँ पर वर्णन है। और पद्मावती देवी को वहाँ पर भगवान के शिष्य के रूप में कहते, ये बहुत ही मेरे लिए प्रिय है, लेकिन इसके आत्मा का कल्याण करने के लिए मैं इसको आज्ञा प्रदान कर रहा हूँ, आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, दीक्षा देता हूँ, प्रभु आप इसको दीक्षित करो। देवानुप्रीत, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो, अर्थात यदि तुम्हारी आत्मा को इस तरह शांति है तो तुम्हारे द्वारा दी गई भिक्षा मुझे स्वीकार है। पद्मावती की साधना और सिद्धि। वितराग भगवान ऋषनेमी के द्वारा पद्मावती देवी को शिष्य रूप में भिक्षा स्वीकार करने की अनुमति मिल जाने पर पद्मावती देवी ईशान कोण में जाकर छोटे बड़े समस्त आभूषणों को उतारती है, उतार कर अपने हाथों में पंचपुष्टि लोच करती है। साध्वी वेश धारण करने के अनंतर वह अरिहंत भगवान ऋषनेमी के चरणों में उपस्थित होती है, उन्हें वंदन नमस्कार करती है। भगवान स्वयं, जब यह जगत जरा मरण अग्नि से प्रज्वलित हो रहा है, मेरी इच्छा है कि मैं आपके चरणों में दीक्षित हूँ, आप मुझे धर्म का उपदेश देने की कृपा करें, धर्माचरण की विधि का बोध कराने का आग्रह करें। पद्मावती देवी की सर्वथा योग्य देकर भगवान ऋषनेमी ने उसे दीक्षा पाठ स्वयं पढ़ाते हैं। भाव रूप से मुंडित करने के अनंतर शिष्या रूप में यक्षिणी नामक साध्वी को उसे सौंप देते हैं और यक्षिणी साध्वी उसका केश लुंचन आदि करती है और उनकी वो शिष्या बनती है। उनके पास वो सारी ज्ञान ध्यान शिक्षा सीखती है। आर्या पद्मावती ने पूरे 20 वर्षों तक संयम की आराधना की, 1 मास की संलेखना द्वारा आत्मा को आराधित किया, अनशन द्वारा 60 भोजनों का परित्याग किया। जिस प्रकार प्रयोजन के लिए उसने दीक्षा ली थी, अंत में उसे सिद्ध कर लिया, वह सिद्ध मुक्त सकल कर्मजन्य संतापों से रहित होकर सब प्रकार के दुखों से विमुक्त हो गई। पंचमवर्गीय अध्ययन में वासुदेव श्री कृष्ण की अग्रमहिषी पद्मावती देवी की संयम प्रधान जीवन को उल्लेख किया गया है। कृष्ण की पतिदेव के प्यार भरे आमोद प्रमोद को छोड़ देना, किसी भी प्रकार की वस्तु की कमी न होने पर भी त्याग भावना से ओतप्रोत होकर समस्त ऐश्वर्य का त्याग कर देना साधारण बात नहीं है। सच्चे त्याग का यह एक ज्वलंत उदाहरण है। मोह माया की दलदल में सदा फंसे रहने वाला व्यक्तियों को महासती पद्मावती के जीवन रूप से प्रकाश स्तंभ से प्रकाश लेकर अपने अंतर जगत में अंधकार को दूर करने का प्रयास करना चाहिए, यही इस अध्ययन का पठन है। संलेखना, जिस तप के द्वारा शरीर तथा क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय को निर्बल किया जाता है, उस तप के अनुष्ठान को संलेखना कहते हैं। संलेखना द्वारा आत्मा को आराधित करने का तात्पर्य है। संलेखना द्वारा अपने मोक्ष मार्ग के अनुकूल बनाना, 1 महीने की संलेखना को अर्थ 60 भक्तों से भोजनों का परित्याग करना है। पंचम वर्ग 2 से 8 तक अध्ययन। पंचम वर्ग में उसी प्रकार भगवान से प्रश्न पूछा। आर्य जम्बू अणगार की अभ्यर्थना सुनकर आर्य सुधर्मा स्वामी ने अनगार को समझ करते हुए कहने लगे, जम्बू उस काल उस समय में द्वारिका नगरी थी। बाहर रेवतक नाम का एक पर्वत था, उस पर नंदनवन नाम का एक उद्यान था। द्वारिका नगरी में वासुदेव कृष्ण का राज्य करते थे, इनमें गौरी नाम की एक सुंदर रानी थी। रानी की गुण संपदा का वर्णन उपाध्यक्ष, एक द्वारिका नगरी में वितराग भगवान ऋषनेमी पधारे, वासुदेव कृष्ण इनके चरण वंदन की सेवा में गए। महारानी पद्मावती की भांति गौरी देवी ने भी भगवान की सेवा में पहुंची, भगवान से सब प्रकार के धर्म कथा सुनाई। धर्म कथा सुनने के अनंतर कृष्ण वासुदेव अन्य लोग अपने अपने स्थान पर वापस गए। गौरी देवी ने महारानी पद्मावती की तरह भगवान ऋषनेमी के चरणों में दीक्षित होने की प्रार्थना की। महाराज श्री कृष्ण द्वारा दीक्षा समारोह संपन्न करने के उसने भगवान ऋषनेमी के चरणों में दीक्षा अंगीकार की। पद्मावती की भांति सिद्ध पद पर प्राप्त किया। गौरी देवी की तरह गंधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जामवती, सत्यभामा, रुक्मणी नाम की रानियों ने भी भगवान ऋषनेमी के चरणों में दीक्षित होकर सिद्ध गति को प्राप्त की। पद्मावती, गौरी तथा गांधारी आदि इन 8 सन्नारियों के जीवन चरित्र को भी एक जैसे ही है, उनमें अंतर वाली कोई विशेष बात नहीं है। अब 9वां और 10वां अध्ययन। अंतकर सूत्र के पंचम वर्गीय अष्टम अध्ययन में अर्थ सुनने के बाद भगवान ने फरमाया, इसी प्रकार जम्बू उस काल उस समय द्वारिका नगरी के रेवतक नामक पर्वत पर नंदन वन नाम का सुंदर उद्यान था। नगरी में महाराज कृष्ण राज्य करते थे। इसी नगरी में श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र जामवती देवी के आत्मज श्याम नाम के राजकुमार थे। वे सर्वांग सुंदर थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम मूलश्री था। मूलश्री की गुण संपदा उपपत्तिक सूत्र के वर्णित नारी गुण संपदा के समान थी। एक बार वितराग भगवान ऋषनेमी वंदन वन पधारे। कृष्ण वासुदेव भगवान के दर्शनार्थ
गए एवं मूल श्री भी वहाँ पहुँची। पद्मावती की तरह उन्होंने भी दीक्षित होने की इच्छा प्रकट की। केवल अंतर इतना है कि वह कहने लगी, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव को पूछकर दीक्षा व्रत अंगीकार करोगी। अंत में दीक्षित होकर उन्होंने सिद्ध गति प्राप्त की। मूल श्री की तरह मूल दत्ता ने भी दीक्षित होकर सिद्ध गति को प्राप्त की। यहाँ तक हमने पंचम वर्ग तक का वर्णन श्रवण किया। आप और हम सभी यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करें कि किस प्रकार गजसुकुमाल से लेकर पद्मावती आदि सभी नारियों ने अपने काम भोग विषय भोगों को त्याग करके वैराग्य में आकर के आत्मा को मुक्ति देकर के मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। शमित मुनि जी एक भजन आपके सामने रखेंगे। जो शुभ मुनि जी भजन सुनाते हैं, मैं इतने भजन नहीं सुना पाता हूँ। आज के प्रकरण के अनुसार एक भजन आपके सामने रखेंगे। श्यामा का पुजारी वीर गज सुकुमाल था। श्यामा का पुजारी वीर गज सुकुमाल था। देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था। देवकी का लाल था जी, दे श्यामा का पुजारी वीर गज सुकुमाल था। श्यामा का पुजारी वीर गज सुकुमाल था। देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था। देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल। प्रेम भरी वाणी सुन नेम भगवान की। प्रेम भरी वाणी सुन नेम भगवान की। दिल में अनोखी ज्योति जग गई ज्ञान की। दिल में अनोखी ज्योति जग गई ज्ञान की। संयम ले दुनिया का काटा मोह जाल था। संयम ले दुनिया का काटा मोह जाल था। देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल था। देवकी का लाल था जी, देवकी का लाल। धन धन गज सुकुमाल तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। धन धन गज सुकुमाल तुमको लाखो प्रणाम, तुमको मात देवकी लाल तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। ऐसा ये वर्णन आप सभी ने यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री श्रीनिवास साहब के मुखारविंद से सुना है। आचार्य भगवंत पधारते हैं, तब तक हम थोड़ी सी बात करते हैं। इन दिनों में, तपस्या के दिनों में, आपके मन में भाव बनता है कि हमारे पास जो पांचवा पाप इकट्ठा किया है, कौन सा है पांचवा पाप? सबने इकट्ठा कर रखा ना कि नहीं कर रखा? पांचवा पाप कौन सा है पहले याद तो करो। पहला हिंसा, दूसरा झूठ, तीसरा चोरी, चौथा कुशील, है ना, और पांचवा परिग्रह। अब परिग्रह को कन्वर्ट करने के दिन है ये 8 दिन। परिग्रह ऐसा पाप है जिसके ऊपर हम कभी पश्चाताप नहीं करते। हमारे मन में भावता है और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। आएगा तो आपके पूर्व के पुण्य के फल से। जो भी आज जिसको भी मिला है वो कोई ऊपर से लॉटरी नहीं खुल रही है, कोई FD आपको निकाल के नहीं रहा। चाहे वो आपकी फैक्ट्री में आ रहा है, चाहे आपको प्रॉपर्टी में मिल रहा है, चाहे किसी भी कार्य में मिल रहा है, कहीं से भी शेयर में मिल रहा है, कहीं से भी आ रहा है, दुकान में प्रॉफिट बढ़ रहा है, लेकिन उसका मूल कारण आपका पूर्व का पुण्य है। अब पुण्य भी एक कर्म है, पाप भी एक कर्म है, और परिग्रह अपने आप में एक ऐसा पाप है जिसके ऊपर कोई पश्चाताप नहीं करता, चाहे साधु हो श्रावक हो। परिग्रही की हमारे यहाँ पे बताया है, जिन सब का अनुमोदना नहीं करनी, क्या करनी, इसको कन्वर्ट करने के लिए दान शील तप भावना का मार्ग बताया। जिसके पास पहले तो श्रावक क्या कर ले, अपनी मर्यादा कर ले, क्या कर ले, पांच अनु साधु के पास कोड़ी है तो वो कोड़ी का नहीं, श्रावक के पास कोड़ी नहीं तो वो कोड़ी का नहीं। तो श्रावक
हाथ नहीं फैला सकता। तो अपने शरीर की और परिवार की समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इच्छा तो कभी पूरी नहीं होती, इच्छा तो आकाश के समान है, तो किसी को सोने चांदी के पहाड़ भी दे दो तो कभी उसकी पूरी नहीं होती। लेकिन अगर आप मर्यादा कर लो तो अपने यहाँ पे एक आपको लगेगा कि मेरे को आवश्यकता इतनी है इस काल में, इस भाव में, इस समय में, मेरे को, मेरे परिवार को, उसकी मर्यादा के अलावा जितना भी परिग्रह पूर्व सुकृत से कहीं से आता है तो मैं उसका ट्रस्टी रहूँगा, मैं उसका मालिक नहीं रहूँगा। और मैं जहाँ जहाँ उपयोग लगेगा धर्म के कार्यों में, परिग्रह अगर आप शादी ब्याह मकान बिल्डिंग और सांसारिक कामों में लगाते हैं तो पुण्य का फल पाप में उपार्जित करते हैं, और पुण्य को अगर धर्म कार्यों में लगाते हैं तो अगर आपके भाव शुद्धि हुई तो वो निर्जरा में बदल जाएगा। भाव शुद्धि हुई क्योंकि देते समय बदले में कोई कामना नहीं है, बस ये मैं इसको बोसिराता हूँ और अब मैं इससे निश्चिंत होकर के संतोष को धारण करके मैं अपनी आत्म साधना में लिखता हूँ। क्योंकि मर्यादा से ज़्यादा परिग्रह घर में है तो आपको अनेक प्रकार का टेंशन है, पहले तो परिवार में क्लेश शुरू हो जाएगा, और उससे ज़्यादा और हो गया तो सरकार आपके पीछे पड़ जाएगी, फिर और कोई कारण बन जाएगा। तो इन सब क्लेश से बचने के लिए वो वितराग साधक क्या करता है, पहले ही एक मर्यादा फिक्स करके जो ज़्यादा आता है वो अपने हाथ से ही धर्म कार्यों में खर्च करता है। और धर्म कार्यों में खर्च करने से दो फायदे, या तो आपको अगर शुद्ध भाव आए तो निर्जरा धर्म कार्यों में खर्च होने से, और शुद्ध भाव नहीं भी आए लेकिन आपने पुण्य कार्य से दिए, बदले में कोई कामना नहीं रखी कि नाम न पद न प्रतिष्ठा, तो पुण्यानुबंधी पुण्य से सुपात्र और सुविधि से दान देने से आपको वापस धर्म के संयोग मिलेंगे। जैसे आप इन सुन रहे हैं कि कैसे भगवान अष्टमी का सानिध्य मिला और उनको किस कारण मिला, पुण्य की कतारें लगी पिछले जन्मों की। अरिहंत परमात्मा फरमाते हैं कि जब इस पंचम आरण्य में आपको चतुर्थ काल की साधना मिल रही तो इसके पीछे तुम्हारा पुण्य की कतारें लगी तो तुमको ये धर्म मिला। तो पूर्व में तुमने कहीं धर्म किया, कहीं धर्म कार्यों में खर्च किया, तो आज तुम उस पुण्य के फल से तुमको शुद्ध वितराग धर्म मिल रहा है। तो इन दिनों में आप लोगों को चाहिए कि समाज के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए, धर्म कार्यों में अपने परिग्रह में से कुछ मर्यादा बाहर निकालनी चाहिए, जिससे सबसे ज़्यादा महत्व सुपात्र दान का दिया। सुपात्र दान का मतलब क्या है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका ये चारों तीर्थ हैं, इन चारों तीर्थों के उत्थान में हम कहीं खर्च करें। चारों तीर्थ तीर्थ हैं, तिरने और तिराने के लिए मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो इन तीर्थ के उत्थान में हम कहीं निमित्त बन जाएं। हम करता नहीं है, सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन हमारे पास जो एक्स्ट्रा परिग्रह है वो इस कार्यों में लग जाए और निमित्त बन जाए, तो हम दान के क्षेत्र में साधु साध्वी श्रावक श्राविका रूप चारों तीर्थ जो चल रहे हैं इन दिनों में, जो भी अपने प्रयोग निकालना चाहते हैं तो आचार्य भगवान के सानिध्य में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। हम यहाँ से आपको विशेष दान की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका मन बन रहा है कहाँ दें, तो अशोक जी आपको सारे पात्र बताएंगे कि कहाँ देना चाहिए, कैसे दे सकते हैं।